गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज मैं कर्विलियर कोऑर्डिनेट्स का टॉपिक है उसमें हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है लाइक वो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है नवंबर 2018 में आया हुआ है बीएससी फिज़िक्स फर्स्ट ईयर ऑनर्स का टॉपिक है ये तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है प्रू दैट दिस स्पेरिकल पोलर मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ओर्थोगोन इसका सॉल्यूशन देखिए स्पेरिकल जो है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा फाइ और स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं वो होगा हमारा लाइक इन जनरल होता है हमारा स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं लेकिन ऑलरेडी स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर इंक्लूडेड है दैट्स वाई वी आर टेकिंग कैपिटल आर एक्स आई प्लस वाई जे जेड के ये तो हमने कार्टिजन सिस्टम में लिखा हुआ है किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर उसकी पोजिशन पता करनी है तो कार्टीजन सिस्टम में हम कैसे निकालते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तो एक्स वाई जेड हमारे पास कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स होते हैं लेकिन यहाँ बात करें हम पोलर कोर्डिनेट्स के तो पोलर कोर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं स्पेरिकल सिस्टम में आर थीटा एंड फाई तो अब हम इस इक्वेशन को जो है पोलर कोर्डिनेट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे पोजिशन वैक्टर को एक्स होता है स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर साइन थीटा कोस फाई आई प्लस वाई होता है आर साइन थीटा साइन फाई जे प्लस जेड जो होता है आर कोस थीटा ऑफ के पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमारे पास पेरिकल जो हैं स्केल फैक्टर्स हैं वो क्या रहते हैं जस्ट बेसिक है ये तो स्केलर फैक्टर्स भी होते हैं हालांकि इस क्वेश्चन में हमारे पास उसका यूज़ नहीं है एच वन एच टू एच थ्री हमारे जो हैं सब्सक्रिप्ट भी वही हो जाएगी एच वन क्या है आर है एच टू हो जाएगी थीटा एच थ्री हो जाएगी फाइव एज हमारे पास आर थीटा एंड फाइव क्या है स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इनकी वैल्यूज जो है फिक्स है कॉन्सटेंट है वन आर ये आर पे डिपेंड कर रही है आर साइन थीटा तो ये जस्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन के लिए है इसका भी कोई यूज़ नहीं है अब हम क्या करने वाले हैं जैसे हम अपने कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स में यूनिट वेक्टर्स निकालते हैं तो ऐसे ही हम यहाँ पे अपने कोडी जो है टेंजेंट वेक्टर्स निकालने वाले हैं ये हमारी कैपिटल आर वाली जो है फर्स्ट इक्वेशन हो गई अब हमें निकालना है हमारे पास तीन कर्व हैं आर थीटा एंड फाइव तो फर्स्ट टेंजेंट वेक्टर क्या आएगा आर कर्व के लिए दैट इज गिवन बाई करली ओफ कैपिटल आर बाय करली ओफ आर फर्स्ट इक्वेशन से यूज करके क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे आर का डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू तो आर यार है साइन थीटा कोस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाइव जे प्लस कोस थीटा के अब इसका यूनिट टेंजेंट वैक्टर कैसे निकालेंगे किसी भी जो है वैक्टर का यूनिट टेंजेंट वैक्टर निकालना है लाइक हमें दैट वैक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड तो ये हमारी क्या है सेकेंड इक्वेशन है और इसको आप डिनोट करोगे ई स्मॉल आर से हमारा फर्स्ट यूनिट एंजेंट वैक्टर हो रहा है स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए तो इसकी वैल्यू रखिए यहाँ पर करली आर बाई करली आर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है ये वैक्टर जस्ट एज इट इज डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नेटोड तो आई कंपोनेंट जो है आई का कंपोनेंट कौन सा है साइंस थीटा कोस फाइव इसका स्केयर कीजिए अब जे कंपोनेंट का स्केयर कीजिए साइंस के की थीटा साइस के के कंपोनेंट का स्केयर कोस तो हमारे पास ये ई आर आ गया इसके डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में साइंस केयर थीटा कॉमन है यहाँ से क्या आ गया साइंस केयर थीटा को स्केयर फाइव प्लस साइंस स्केयर फाइव वन होती है प्लस को थीटा विच इज फर्दर इक्वल टू वन तो ओवरऑल हमारा डिनोमिनेटर क्या आ रहा है वन सो so ये हमारे पास ई e आर आ चुका दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन इसी तरह से हम ई थीटा एंड ई फाइव निकाल सकते हैं तो ई e थीटा क्या कर ली आर बाई ली थीटा डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए कर ली आर बाई ली थी ये हमारे पास आर था इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से आ जाएगी आर कोस थीटा कोस फाइव आई प्लस आर कोस थीटा साइन फाइव जे प्लस माइनस आर साइन थीटा अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे ई e थीटा की वैल्यू क्या आ रही है आर कोस थीटा प्लस आर कोस फाइव सॉरी कोस थीटा साइन फाइव जी माइनस आर साइन थीटा के वेक्टर को आपने लिखा है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड तो आई के जो कंपोनेंट का स्केयर लोगे आर स्केर को स्केयर थीटा को स्केयर फाइव प्लस आर स्केयर को स्केयर थीटा साइंस स्केयर फाइव प्लस आर स्केयर साइंस स्केयर थीटा यहाँ से डिनोमिनेटर को चेक करें तो क्या आ रहा है आर स्केर को स्केयर थीटा यहाँ से कॉमन आ रहा है और को स्केर फाइव प्लस साइंस स्केर फाइव क्या होता है वन होता है यहाँ से आर स्केयर कोमन ले तो आर स्केयर आ जाएगा डिनोमिनेटर में जो कि इट कम्स आउट टू बी तो डिनोमिनेटर तो 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 हमारा आ चुका है आर ऊपर वन आर कोमन निकालेंगे तो वैल्यू क्या रह जाएगी ई थीटा जो कि हमारा सेकेंड यूनिट वैक्टर है स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू लिखते हैं आर से आर कैंसिल होके फाइनल जो यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ रही है ई थीटा इज इक्वल टू ई टू इज इक्वल टू सो ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन ई आर जो थी थर्ड थी अब ई e फाइव के लिए सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी फिफ्थ इक्वेशन ई phi होती है करली आर बाई करली फाई डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नेट्यूड वी नीड दिस वैल्यू E phi की वैल्यू हमारे पास आएगी करली आर बाई करली फाइव डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड तो करली ली आर बाई करलीफाइव की वैल्यू आ रही है यहाँ पर तो जो है फाइव पर डिपेंडेंट टर्म ही नहीं है तो यहाँ से जीरो आएगी साइन आर साइन थीटा कोस फाइव प्लस आर साइन माइनस आर साइन थीटा साइन फाइव ये कोस फाइव का माइनस होता है रखिए इस ये हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया आर स्केयर साइंस केयर थीटा साइंस केयर फाइव प्लस आर स्केयर साइंस केयर थीटा

अब हमें क्वेश्चन में क्या शो करना है कि जो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या है ऑर्थोगोनल है इट वी आर शोइंग शोइंगेयर इसके जो यूनिट फैक्टर्स हैं टेंजेंट हैं जो कर है, उनकी डोर प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए जीरो इट मीन ई आर डॉट ई थीटा जीरो प्रूव कर देते हैं हम e थीटा डॉट ई फाइव इक्वल टू जीरो एंड ई आर डॉट ई फाइव इक्वल टू जीरो हमारा ई आर है थर्ड इक्वेशन से फोर्थ से क्या है ई थीटा दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं साइन थीटा कोस आई डॉट आई वन होता है कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जे डॉट जे वन होता है के डॉट के वन होता है यहाँ से फर्स्ट आई डॉट आई लेंगे तो हम साइन थीटा कोस थीटा इंटू कोस्केयरफाई प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइंस केयरफाई माइनस साइन थीटा कोस थीटा और फाइनली जो हमारे पास आ रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा यहाँ से कॉमन है कोसकेर फाइव प्लस साइंस केयर फाइव जीवन वन होता है सॉरी तो साइन थीटा कोस थीटा दोनों कंबाइन करके क्या जाएंगे जीरो तो एक यूनिट वेक्टर हमने दिखा दिया दो यूनिट वेक्टर मैं दिखा देती हूँ सिमिलरली थर्ड भी होगा और यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल ये हमारे पास ई टू ई थ्री है तो ई टू डॉट ई थ्री बोल दो या ई थीटा डॉट ई फाइव डोट प्रोडक्ट्स लेते हैं इनके कोस आई डॉट आई वन लेंगे तो यहाँ बाकी आई डोट जे जीरो दे रहा है जे डोट आई भी जीरो दे रहा है तो हमारे पास दो टर्म्स सर्वाइव करेंगे माइनस कोस थीटा कोस फाइव साइन फाइव माइनस कोस थीटा साइन फाइव साइन थीटा यहाँ से दोनों ही टर्म्स क्या हो रही हैं सॉरी so ये जो सेकेंड टर्म थी जे डॉट जे से वन प्लस आ रही थी तो दोनों ही टर्म्स क्या आ जाएंगे कैंसिल आउट ओके जीरो ई टू डॉट ई थ्री क्या आ गया जीरो तो हमारे पास किसी सिस्टम के यहाँ पे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनकी जो है हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स की डोट प्रोडक्ट जीरो है तो इट मीन्स दैट इज ऑर्थोगोनल सिस्टम सिमिलरली हम दिखा सकते हैं ई थ्री डोट ई वन इज इक्वल टू जीरो दैट सोन